हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नवरात्रि स्पेशल रेसिपी जो कि है सूखे काले चने। ये सूखे मसालेदार काले चने माता की भोग के लिए कैसे बनाए जाते हैं, ये सब मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी और आप देखोगे कि इन सूखे काले चनों को बनाना भी कितना आसान है। तो चलिए फिर फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम काले चने लिए हैं जिनको मैंने 3 से 4 बार धोकर ओवरनाइट सोक कर लिया था। आप देख सकते हैं 8 से 10 घंटे भीगने के बाद ये चने इस तरह से फूल जाते हैं। अब ये चने अच्छे से फूल गए हैं तो अब इनको सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में डालकर बॉईल करेंगे। जिस पानी में हमने चनों को भिगोया है उस पानी को अलग कर देंगे और चने कुकर में डाल देंगे। अब इन चनों में हम इतना ही पानी डालेंगे जिसमें चने अच्छे से डूब जाएं। जितने चने हैं यानी कि उससे एक उंगली ऊपर पानी होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम ये चने सूखे बनाने वाले हैं इसलिए हम इसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक और साथ ही में डालेंगे थोड़ा सा मीठा सोडा। मीठा सोडा हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ 2 चुटकी ही डालेंगे। इसके डालने से चने जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे और फ्लेम को हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पर 2 सीटी आने देंगे। जैसे ही 2 सीटी आ जाए फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर ही चनों को आराम से 10 से 15 मिनट तक उबलने देंगे। अब 15 मिनट के बाद कुकर का सारा प्रेशर निकल गया है और प्रेशर निकालने के बाद हमने ढक्कन को खोल के देखा है। आप देख सकते हैं हमारे ये चने अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, यानी कि बिल्कुल ठीक से गल गए हैं। अब इस तरह से एक स्ट्रेनर के ऊपर हम चने का पानी डाल देंगे, पानी को अलग कर देंगे और चने अलग कर देंगे। इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इसका यूज हम बाद में करेंगे। उबले हुए चने का ये पानी काफी पौष्टिक होता है इसलिए बाद में हम ये सारा पानी यूज करेंगे। इन चनों में हम लहसुन और प्याज का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि हम ये चने प्रसाद के लिए बना रहे हैं। हम इन चनों को सिर्फ ड्राई मसालों में ही बनाएंगे, जिसके लिए सबसे पहले हमने लिया है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी और इसी के साथ ये लिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच नमक और ये मैंने लिया है 1/2 चम्मच सौंठ का पाउडर। अदरक को सुखाने के बाद जब पाउडर बना लेते हैं तो उसको सौंठ कहते हैं। इस सौंठ का फ्लेवर इन चनों में बहुत ही अच्छा आएगा। अब इन मसालों के अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करेंगे और इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए, हमें बस इस तरह का ही स्मूथ पेस्ट बनाना है, इससे ज्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करना। अब हम एक कढ़ाई को गैस पे रखेंगे और फ्लेम को ऑन करेंगे। कढ़ाई के हल्का सा गर्म होते ही हम इसके अंदर 2 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए तो अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच जीरा। अब ये जीरा चटकने लगा है तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच हींग। हींग का फ्लेवर इन छोलों में बहुत ही अच्छा आएगा। अब जैसे ही ये जीरा और हींग अच्छे से भुन जाए तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे हमारा रेडी किया हुआ सारा मसाला। यहाँ फ्लेम को हम लो टू मीडियम ही रखेंगे और इस मसाले को एक बार अच्छे से चला लेंगे। अब जिस कप में हमने मसाला बनाया था उसी कप में हम उबले हुए चने का थोड़ा सा पानी लेंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे। पानी डालने के बाद इसको थोड़ा भून लेंगे और फिर इसको खट्टा और चटपटा बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे कुछ खास मसाले। ये मैंने लिया है 1.5 चम्मच पिसा हुआ अनारदाना जो इन चनों को बहुत खास बनाएगा। अगर आपके पास अनारदाना ना हो तो उसकी जगह आप 1 चम्मच अमचूर पाउडर भी यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ हम डालेंगे 2 चम्मच क्रश की हुई कसूरी मेथी, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। अब इसको एक बार हम मिक्स कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये काफी ड्राई होने लगा है तो अब हम उबले हुए चने का थोड़ा सा पानी इसमें फिर ऐड करेंगे और इसको एक बार फिर से भूनेंगे। हम ये मसाला तब तक भूनेंगे जब तक इसका सारा ऑयल रिलीज ना होने लगे। आप देख सकते हैं यहाँ इसमें सारा ऑयल ऊपर आने लगा है। अब हमारा ये मसाला अच्छे से भुन गया है तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला हमेशा बाद में ही डाला जाता है ताकि उसका फ्लेवर बना रहे। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे उबले हुए सारे चने और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इस तरह से थोड़े चनों को कड़छी से दबाते हुए मैश करेंगे ताकि पूरे मसाले की कोटिंग बाकी चनों पर अच्छे से आ जाए। अब ये चने मसाले में अच्छे से मिक्स हो गए हैं तो अब हम इसके अंदर उबले हुए चने का सारा पानी डाल देंगे जिसको हमने अलग करके रखा था। अब इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर ढक्कन लगा देंगे ताकि उबलने के बाद छींटे बाहर ना आए। इनको पकने में कम से कम 8 से 10 मिनट लग जाएंगे।
हमें इसको तब तक पकाना है जब तक ये पूरा पानी ड्राई ना हो जाए। अब 4-5 मिनट बाद हमने ढक्कन हटा कर देखा है, आप देख सकते हैं इसमें पानी काफी सूख चुका है। तो अब हम इसको बिना ढक्कन के ऐसे ही पकाएंगे। हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसका पूरा पानी सूख ना जाए। अगर आप भी ये चने पानी डालकर अच्छे से पकाएंगे तो आप देखेंगे पूरे मसाले की कोटिंग चने पे बहुत बढ़िया आएगी और ये चने बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे किसी हलवाई ने बनाए हों। ये हमारे मसालेदार काले चने बनकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, जिससे इसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी। इन चनों को आप पूरी या पराठा किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं और अगर आप इनको सफर में भी ले जाओगे तो ये पूरी के साथ बहुत ही टेस्टी लगेंगे। ये सूखे काले चने खासकर अष्टमी नवमी के दिन ही बनाए जाते हैं। आप इनको कभी भी किसी भी भंडारे या प्रसाद में बना सकते हो क्योंकि ये बिल्कुल सात्विक हैं। तो ये लीजिए, अब हमारे सूखे काले मसाला चने बनकर बिल्कुल रेडी है। अगर आपको भी हमारी ये काले चने की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और मैं आपके लिए लाती रहूंगी ऐसी बहुत सारी रेसिपीज यहीं पर हमारे चैनल मेरी मॉम की किचन में।